न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। बात करेंगे रेवाड़ी निकाय चुनाव की कि किस तरीके से जो चुनाव प्रचार पूरे उफान पर है और मात्र 3 दिन का समय चुनाव होने में अब बाकी रह गया है, किस किस तरीके से यहां उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी द्वारा भी घोषणा पत्र अपना जारी कर दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी भी से 1 सप्ताह पहले अपना संकल्प पत्र यहां जारी कर चुकी है। दोनों ही प्रमुख दल जो है उनके प्रत्याशी मतदाताओं के बीच में अपने अपने दावों और वादों को लेकर के जा रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया है भाजपा प्रत्याशी पूनम यादव की, इसी को लेकर के बात करेंगे पूनम यादव से। पूनम जी, कल जिस तरीके से घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किया गया है, क्या लगता है कि जिस तरीके से उसमें शहर के सौंदर्यीकरण विकास के जो वादे और दावे यहां पर किए गए हैं, क्योंकि आपका संकल्प पत्र पहले ही आ चुका है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो कांग्रेस का ने आज तक सरकार ने किया ही क्या है, जो वो हमारे घोषणा पत्र को झूठा और गलत बताती है। कोई जनता पूछे जाकर कांग्रेस वालों से कि 30 सालों से उनकी सरकार थी, उन्होंने रेवाड़ी शहर के विकास के लिए का आखिरकार किया क्या है, जो के विकास के लिए और उनकी सुविधाओं को देखते हुए घोषणा पत्र तैयार किया है और उसको पूरा भी किया जाएगा। क्योंकि जो दूसरी बड़ी बात यह है कि सन्नी यादव पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा शानदार प्रदर्शन देखा गया उनका, और राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में उन्होंने आपको समर्थन दिया है। कल क्या मानते हैं, कितना असर जो है आपके इस चुनाव में उनका देखने को मिला? सनी यादव एक युवा नेता हैं, वो बहुत अच्छा, मतलब उनके साथ सारी युवा लोगों का समर्थन है। कल राव इंद्रजीत जी के सामने भी अपना समर्थन दिया है तो खुल के हमारे, क्योंकि अब 2 दिन ही जो है प्रचार के बचे हैं, 3रे दिन माना जा रहा है कि जो समय नहीं है, 4थे दिन चुनाव होना बाकी है। ऐसे में और क्या कुछ तैयारियां हैं और जनता के बीच जिस तरीके से आप डोर टू डोर भी जा रही है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? हमें लोगों का बहुत भारी जोश और उमंगों से समर्थन मिल रहा है, बहुत हमारा स्वागत किया जा रहा है। सारी ऐसा लग रहा है जैसे जन सैलाब हमारे साथ उमड़ के साथ है और चल रहा है। हमें अपनी जनता से मतलब बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा विश्वास मिल रहा है, ऐसा मतलब सारी जनता हमारे साथ है। माना जाए कि ये जो प्यार और विश्वास, जो सहयोग और समर्थन जो लोगों को मिल रहा है, ये इसको देखते हुए अगर बात करें जीत की, तो कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? 100% जी। तो ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ प्रचार में आ रहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर देखा जाएगा? हाँ जी बिल्कुल देखा जाएगा। अभी हमारे सीएम साहब आए, हमारे ओपी धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष जी आए जी। और मतलब कहने का मतलब जो भी प्रचारक आ रहे हैं हमारे लिए, जनता का अलग से ही प्रभाव पड़ रहा है उनके ऊपर, और जनता खुल के अपने सभी नेताओं का स्वागत भी कर रही है और उनके समर्थन में साथ खड़ी है। बिल्कुल, तुमने बताया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र उनके संकल्प पत्र के आगे कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे और वादे किए हैं, वो जिस तरह केंद्र और प्रदेश की सरकारें अपने वादों पर खरा उतर रही है, उसी तरह उनका संकल्प पत्र भी यहाँ संकल्प विकास पत्र के तौर पर यहाँ काम करेगा। अब देखना होगा कि आने वाली 27 तारीख को लोग किस तेजी के साथ और किस तरह इनका सहयोग और समर्थन करते हैं, क्योंकि तो मतदान ही बताएगा और आने वाली 30 तारीख ही इस बात का फैसला कर पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अभी जिस तरीके से बातचीत हुई पूनम यादव से, तो उन्होंने पूरे भरोसे के साथ ये कहा कि उनकी जीत सुनिश्चित है। रेवाड़ी से संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री।